26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इसको लेकर लोनी के मंडोला गांव से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यूपी गेट के लिए निकले। बता दें कि गाजियाबाद लोनी मंडोला में 6 गांव के किसान पिछले 4 साल से भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर कानपुर से, यहाँ उत्तर प्रदेश की गल्ला, दलहन, तिलहन, शक्कर, गुड़, वनस्पति आदि के खाद्यान्न पदार्थों के आढ़तियों, व्यापारियों व उद्यमियों के संगठन ने आज सांसद सदेव पचौरी के आवास का घेराव किया और मंडी शुल्क समाप्त करके मेंटेनेंस चार्ज को हटाने के लिए ज्ञापन दिया। साथ ही मंडी व्यापारियों ने फूल देकर सांसद से आग्रह किया कि किसान बिल पर वह किसान पदाधिकारियों तक उनकी बात पहुँचाए। वहीं सांसद सदेव पचौरी ने भी व्यापारियों के आश्वासन दिया कि वह मंडी शुल्क जल्द से जल्द खत्म कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, मांग मंडियों में मंडी शुल्क समाप्त हो, हमारी एक मांग, मंडियों में मंडी शुल्क समाप्त हो, हमारी एक मांग। मंडी जो गल्ला मंडी के व्यापारी हैं, आढ़तिया व्यापारी हैं, फल मंडी के व्यापारी हैं, ये सब लोग आए थे, पहले भी आते रहे हैं। और इन्होंने जो किसान बिल हैं, जो केंद्र सरकार लाई है, जिसके विरोध में कुछ किसान बैठे हुए हैं, इन्होंने उस बिल का समर्थन किया है कि बिल व्यापारियों के हित में भी है, किसान के हित में भी है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि उससे चूँकि बाहर मंडी के बाहर भी खरीदने की छूट उन्होंने दे दी है, तो मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए। पहले मंडी शुल्क 2.5% था, हमने कोशिश करके उसको 1.5% करा दिया था और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मंडी शुल्क कम करने के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में निर्णय लेगी। कानपुर में अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा द्वारा कोरोना योद्धा